वेलकम बैक टू माई चैनल दिशु भवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। कल जैसे अपने हैदराबाद की बात है तो उसके बारे में एक और अपडेट दूंगा, वो मैं 2 से 3 दिन बाद दूंगा। पर फिलहाल जो लेटेस्ट अपडेट है वो मुजफ्फरनगर के पैसेंजर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबर है कि कुंभ के स्पेशल जो कुंभ मेला आने वाला है, स्टार्ट होने वाला है हैदराबाद में महाकुंभ के लिए, रेलवे ने फाइनली 3 ट्रेनों को मंजूरी दी है मेरठ मुजफ्फरनगर होते हुए हैदराबाद जाने वाली, जिनमें से 2 डेली यूज़ की ट्रेन है और 1 है वीकली ट्रेन। तो जो और ये ट्रेनों का पूरी तरीके से, स्पेशली एक ट्रेन को छोड़ के बाकी दोनों ट्रेनों का टाइम टेबल, एक का पूरी तरीके से बदला है टाइम टेबल बहुत ही ज़्यादा, जिसके मैं लेटेस्ट अब सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाकर आपको अपडेट दूंगा उसके बारे में। और बट फिलहाल ये अपडेट है कि जो ट्रेनें चलाने वाले हैं उनमें हैं बांद्रा देहरादून एक्सप्रेस, दूसरी है योगा एक्सप्रेस अहमदाबाद हरिद्वार, और तीसरी है उत्तरांचल एक्सप्रेस यानी कि ओखा एक्सप्रेस। बांद्रा हैदराबाद के बारे में ये है कि ये ट्रेन देहरादून तक नहीं बल्कि हैदराबाद तक जाएगी। ओखा एक्सप्रेस के बारे में ये ट्रेन देहरादून तक ही जाएगी। सैटरडे वही इसका डे वही रहेगा, बस थोड़ा जो टाइमिंग है वो मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, कल या परसों मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो तीनों की बनाऊंगा अलग अलग। और जो अहमदाबाद देहरादून एक्सप्रेस है, देहरादून एक्सप्रेस का पूरी तरीके से टाइम टेबल बदला है अप एंड डाउन दोनों साइड से, तो उसकी वीडियो मैं कल देने वाला हूँ आपको। कल मैं उसका पूरा टाइम टेबल बताऊंगा, स्पेशली कोटा से लेके हैदराबाद तक ये ट्रेन को हरिद्वार के लिए चला रहे हैं और बहुत ही लेस हॉल्ट के साथ में, स्पेशली निजामुद्दीन से हरिद्वार के बीच में। तो जुड़े रेस के रहा, और 11 तारीख से ये ट्रेनें मुंबई हरिद्वार से चलेंगी यानी कि योगा और अहमदाबाद देहरादून एक्सप्रेस। और उत्तरांचल की गुड न्यूज़ जो मैं अपने कम्युनिटी टैब में मैंने बता दी कि मुजफ्फरनगर के पैसेंजर के गुड न्यूज़ है। सो येस, इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो डेन डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक शेयर कॉमेंट एंड टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड येस स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियो यानी कल देहरादून एक्सप्रेस के टाइम टेबल के लिए रेडी रहिएगा जो मैं बताने वाला हूँ। बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बना है, बट थोड़ा सा चेंज हो सकता था, वो क्या हो सकता था वो मैं बताऊंगा आपको। सो स्टे ट्यून्ड एंड बाय, थैंक यू गाइस।